बोट एडोब सुप्रीम वर्सेस ओप्पो इनको बर्ड्स 2 अगेन आपकी तरफ से एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। रिसेंटली मैंने बोट एडोब सुप्रीम को रिव्यू किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। दोस्तों ओप्पो इनको बर्ड्स 2 पिछले लगभग 1.5 साल से जब से लॉन्च हुए हैं तब से ऑडियो क्वालिटी के मामले में अंडर 2000 में सबसे बेस्ट या फिर नंबर 1 ईयरबड्स है। पर्सनली मेरे फेवरेट ईयरबड्स है, ऑडियो क्वालिटी इनकी जबरदस्त है। तो आज की इस वीडियो में इसको ही लेटेस्ट बोट एडोब सुप्रीम से कंपेयर करेंगे। बोट ने इन्हें अच्छे खासे फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, तो क्या कम प्राइस में बोट एडोब सुप्रीम के साथ जाना चाहिए या फिर ओप्पो इनको बर्ड्स 2 अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले सेल में ओप्पो इनको बर्ड्स 2 1800 रुपए वाले ईयरबड्स सिर्फ 1200 के मिल रहे थे। वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 आर को मैंने मिंत्रा से सिर्फ 1600 में परचेस किया था, जो 2200 रुपए के TWS है। और ये ऑनर मैजिक वॉच 2 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5500 की मिल रही थी, जो विद इन अ सेकंड आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इन्हें मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है, जो आपकी इस सेल में काफी काम आ सकता है। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे बिल्ड क्वालिटी के बारे में और जानने के लिए आप इनके रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो, जहां पर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी दोनों का साइज लगभग सेम है। बोट में ओवल शेप का डिजाइन है, वही ओप्पो इनको बर्ड्स 2 कंप्लीट सर्कुलर शेप के साथ आते हैं। इन हैंड फील भी लगभग दोनों का सेम है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओप्पो इनको बर्ड्स 2 ज्यादा बेटर लगे, साथ ही बोट से थोड़े से प्रीमियम भी फील होते हैं। इसके अलावा बोट में आपको एक रिसेट बटन मिलता है, जो ओप्पो इनको बर्ड्स 2 में नहीं है। अगर बात करें ईयरबड्स की तो दोनों ही लॉन्ग स्टेम वाले ईयरबड्स है। फर्स्ट इंप्रेशन में दोनों ही सेम लगते हैं, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन फिटिंग के मामले में पर्सनली मुझे ओप्पो इनको बर्ड्स 2 थोड़े से कंफर्टेबल लगे। बोट के ईयर टिप्स थोड़े से बड़े हैं, इस वजह से उतने कंफर्टेबल नहीं लगते जितने ओप्पो के ईयरबड्स है। इसके अलावा दोनों में आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी। देखो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओप्पो इनको बर्ड्स 2 पर्सनली मुझे थोड़े से बेटर लगे, इसलिए बिल्ड क्वालिटी के लिए बोट एडोब सुप्रीम को मैं दूंगा 4.3 out of 5 star और ओप्पो इनको बर्ड्स 2 को दूंगा 4.5 out of 5 star। वैसे ये रेटिंग इसी वीडियो के लिए है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो ओप्पो इनको बर्ड्स 2 आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, हेमलेडी ऐप का सपोर्ट, ड्यूएल माइक्रोफोन, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस रेजिस्टेंट IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 88 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 60 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 28 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा बोट एडोब सुप्रीम आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन, CNX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 65 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 150 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 50 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो नो डाउट यहाँ पर फीचर्स के मामले में बोट एडोब सुप्रीम ओप्पो इनको बर्ड्स 2 से थोड़े से बेटर है, क्योंकि इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन, गूगल फास्ट पेयर, लो लेटेंसी और बेटर बैटरी लाइफ है। लेकिन ओप्पो में आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, जो बोट में आपको नहीं मिलेंगे। फिर भी फीचर्स के लिए बोट को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star और ओप्पो इनको बर्ड्स 2 को दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। सो दोनों के एप्लीकेशन को डिटेल में जानने के लिए इनकी रिव्यू वीडियो को देख सकते हो। फिर भी यहाँ पर ओप्पो के एप्लीकेशन में आपको इक्वलाइजर मोड्स और गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन बोट के एप्लीकेशन में सिर्फ 3D स्पेशल ऑडियो और इन ईयर डिटेक्शन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स आपको टच से ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर बोट का एप्लीकेशन मुझे उतना काम का नहीं लगा, इसलिए बोट के एप्लीकेशन को मैं दूंगा 3 out of 5 star और ओप्पो को दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते दोनों की माइक क्वालिटी की, तो सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन की ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो ओप्पो इनको बर्ड्स 2 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जब आप सुन रहे हो बोट एडोब सुप्रीम के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट एडोब सुप्रीम के माइक्रोफोन का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। सो यहाँ पर क्लियरली बोट एडोब सुप्रीम विनर है। माइक क्वालिटी ओप्पो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी की बोट एडोब सुप्रीम में है। बोट में आपको बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सो कॉलिंग के लिए मेरी तरफ से बोट एडोब सुप्रीम हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। ओवरऑल इनकी माइक क्वालिटी के लिए बोट एडोब सुप्रीम को दूंगा 4.2 out of 5 star और ओप्पो को दूंगा 3.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनकी लो लेटेंसी और गेमिंग की, तो एक बार दोनों के गेमिंग टेस्ट को देख लो।
सो यहाँ पर बोट में 65 मिलीसेकंड और ओप्पो में 80 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, जो गेमिंग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल गेमिंग के लिए बोट को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन पर्सनल मैं आपको गेमिंग के लिए इन दोनों को ही रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी लेटेंसी के लिए बोट को दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार और ओप्पो को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन ऑडियो क्वालिटी की। तो सबसे पहले डिफॉल्ट मोड में इन दोनों की ऑडियो टेस्ट को सुन लो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। And I was revolving like a sun on my own. You're the universe, and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails So, ये थी इन दोनों की साउंड टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो यहाँ पर ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, ऑडियो क्वालिटी के मामले में ओप्पो इनको बर्ड्स 2 अभी भी अनबीटन है। जो बैलेंस ऑडियो इसमें आपको मिलती है, जो अभी भी अंडर 2000 की किसी भी ईयरबड्स में देखने को नहीं मिलती। शार्प क्रिस्टल क्लियर वोकल्स, रिच और पंची बेस, साउंड सेपरेशन और ट्रबल्स वगैरह सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है। बोट की ऑडियो क्वालिटी भी डिसेंट है, लेकिन बेस इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। वोकल्स की क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है, साउंड सेपरेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन जो लोग ज्यादा बेस पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ऑडियो क्वालिटी के लिए बोट को मैं दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार और ओप्पो इनको बर्ड्स 2 को दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो बोट की प्राइस 1500 रुपए है, जो 1300 रुपए के लॉन्च हुए थे। वही ओप्पो इनको बर्ड्स 2 की प्राइस 1800 रुपए है, जो सेल वगैरह में आपको 1300-1400 रुपए के अंदर इजिली मिल जाएंगे। अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हो, साथ ही माइक क्वालिटी, बैटरी लाइफ वगैरह अच्छी हो, तो बोट के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ ऑडियो क्वालिटी की है, बाकी फीचर से आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता, तो ओप्पो इनको बर्ड्स 2 से बेटर ईयरबड्स आपको इस प्राइस में नहीं मिलेंगे। अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं ओप्पो इनको बर्ड्स 2 को चूज करूंगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑडियो क्वालिटी है। वैसे इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हो। तो ये थे बोट एडोब सुप्रीम और ओप्पो इनको बर्ड्स 2। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।